डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दिस सेशन ऑफ ज्ञानदीप। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब। तो आज जो है हम सेवेंथ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर थ्री क्वेश्चंस, बुक का नाम है हनीकॉम्ब, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे थ्री क्वेश्चंस कि किस टाइप का चैप्टर का नाम है, थ्री प्रश्न। तो कोई राजा था, सर्टेन किंग, तो वो उसने उसके मन में आया कि थ्री क्वेश्चंस, कि अगर मुझे थ्री क्वेश्चंस, तीन प्रश्नों का उत्तर जो है राइट मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा कि सक्सेस राजा बन जाऊंगा, ठीक है, और लाइफ में नेवर फेल इन माय लाइफ, ये कभी मैं अपनी लाइफ में फेल नहीं होऊंगा। तो यही तीन क्वेश्चंस हैं, और इनको ढूंढने के लिए उसने क्या करा, ही सेंड मैसेंजर टू हिज किंगडम। पूरी अपने राज्य में जो है जगह जगह जो है मैसेंजर भेज दिया और कहा ही विल बी रिवॉर्डेड, अगर कोई करेक्ट आंसर देगा तो उसको मैं लॉट्स ऑफ मनी दूंगा, पैसा दूंगा, सम ऑफ मनी। तो इसलिए उसने क्या करा, मैसेंजर्स को भेज दिया। परंतु ये नहीं है कि मैं पैसे दे दूंगा या रिवॉर्ड कर दूंगा उसको, क्योंकि अगर मैं सेटिस्फाइड होंगे, अगर आंसर्स क्या होंगे, सब क्वेश्चन सबका आंसर्स देंगे, डिफरेंट आंसर्स होंगे। अगर मैं चैप्टर में से क्वेश्चन पूछती हूँ तो मे बी द सेम आंसर, सबका सेम हो सकता है, बट अगर मैं सडनली कोई क्वेश्चन पूछूं तो सबके आंसर्स क्या होंगे, डिफरेंट आंसर्स होंगे। तो उसने कहा अगर मैं सेटिस्फाइड होंगे और करेक्ट आंसर होंगे तो ही मैं उसको क्या करूंगा, रिवॉर्ड करूंगा। तो अभी इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड, let's start our first chapter, that is your three questions. A king has three questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? अब उन्होंने पूछा कि एक राजा है, कोई भी राजा है, सत्यन है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ राजा का नाम, तो उसके क्या है, थ्री क्वेश्चंस हैं, एंड ही इज सीकिंग, और वो चाहता है कि इसके आंसर्स चाहता है। What are the questions? Questions क्या हैं? Does the king get what he wants? क्या उसे मिल गया जो वो चाहता है? तो अब हम जो हैं continue the chapter, the three questions. ठीक है, the thought came to a certain king. कि एक जो है विचार आया, किसके आया विचार, कोई king है, certain king, that he would never fail. कि वो जो है if he knew three things. कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकता है, हमेशा सक्सेस रहेगा, अगर उसे तीन चीजें जो है, थ्री थिंग्स का जो है अगर नो न्यू, यहाँ पे ये भी देखते रहे कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, न्यू, ठीक है, के साइलेंट रहता है यहाँ। तो उन्हें कहा कि अगर मुझे पता, अगर तीन चीजों का पता चल जाए तो मैं कभी भी नेवर वुड नेवर फेल, कभी भी फेल नहीं हो सकता। दीज थ्री थिंग्स वर, अब वो थ्री थिंग्स क्या थी, द फर्स्ट क्वेश्चन जो उसके माइंड में आया था, कौन सा क्वेश्चन था, वॉट इज द राइट टाइम, कि सही समय, राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, अगर मेरे को कुछ चीज स्टार्ट करना है तो उसका सही समय कौन सा होगा। अगर मुझे ये पता चल जाए, राजा ने कहा अगर ये मेरे को पता चल जाए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो राइट समय में कर रहा हूँ, तो मैं जो हूँ क्या हो जाऊंगा, सक्सेस हो जाऊंगे, एंड आई वुड नेवर फेल इन माय लाइफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं ना, एक अभी आगे आएगा कि टाइम, कोई बोलेगा टाइम टेबल बना लो, कोई कुछ कहेगा, तो उसने कहा कि अगर व्हाट इज द राइट टाइम, कि मगर मैं कोई चीज शुरू करूं, क्योंकि राजा है, राजा के पास तो बहुत काम रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं मिलने, तो उसने कहा अगर मेरे को कोई काम करना है तो राइट समय, तो इसका आंसर वो चाहता था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और मुझे जो है बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि राजा है, किंगडम है उसका पूरा, तो कई लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो उसने कहा कि मेरे को किन लोगों को सुनना चाहिए जिससे मेरा जो है टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, कि राइट पीपल कौन से हैं जिनको मेरे को सुनना चाहिए। तो इसके भी कई लोगों ने आंसर दिए, सबने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिए, एंड थर्ड वन इज द, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसको करने के लिए, थिंग फॉर हिम टू डू, उसे क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
किन लोगों को सुनना चाहिए और किस समय जो है काम को स्टार्ट करना चाहिए, ये दीज आर थ्री क्वेश्चन किसके हैं, ये राजा के हैं। और उसने कहा कि अगर मेरे को ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो मेरा, मैं जो हूँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं फेमस हूँ, क्योंकि राजा है, राजा तो चाहता है कि ना मैं पीढ़ियों तक जनरेशन टू जनरेशन जो है मैं फेमस हूँ और मेरा फेम रहे। तो उसने कहा कि अगर मेरे को ये तीनों क्वेश्चन आएंगे तो मैं बहुत बढ़िया राजा रहूंगा और मेरा फेम जो है काफी समय तक जो है रहेगा, क्योंकि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा अगर मेरे को ये तीन क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। द किंग देयरफॉर सेंट, अब राजा ने क्या करा, अब उसने कहा कि ऐसे तो कोई आंसर नहीं देगा, तो उसने कहा करा द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स। अब मैसेंजर्स किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु कैरीज द मैसेज, जो संदेश लेके जाता है। तो उसने क्या करा, राजा ने सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। अब पूरे अपने राज्य में उसने करा, थ्रू आउट मीन्स पूरे राज्य में सेंट, क्या सेंड करे, मैसेंजर्स। और उसने एक और चीज अनाउंस कर दी, क्या कर दिया कि प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन, कि अगर इफ कि कोई जो है इस तीन क्वेश्चंस के जो है राइट आंसर्स देता है तो उसको क्या करेगा, उसने क्या प्रॉमिस करी कि ही विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। और क्या रिवॉर्ड करेगा, ए लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारा जो है पैसा देगा अगर वो उसके तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर देगा। तो आगे एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको यही बताना है कि राजा ने क्या करा था कि सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, ठीक है। और तीन क्वेश्चंस कौन से हैं ऊपर हमने अभी डिस्कस करे, क्लियर। मैनी वाइज मैन, अब बहुत सारे जो हैं बुद्धिमान, अब मैन और मैन ये भी ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे जो है आपको क्लियर होता रहेगा, मैन एक होता है मैन और मैन होता है प्लूरल, केम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वो। मैनी वाइज मैन, बहुत सारे जो है बुद्धिमान जो है व्यक्ति जो है पर्सन जो है केम टू द किंग, राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, सबने एक आंसर नहीं दिया। जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, आई टोल्ड यू कि सबने जो है क्या करा था, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिए, सबने एक आंसर नहीं दिया क्योंकि सबकी जो है ओपिनियन जो है अलग अलग होती है, तो सबने जो है डिफरेंट आंसर दिए। क्या आंसर दिए, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड वॉट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी कार्य को या कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका राइट समय क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अब किसी ने आंसर क्या दिया, सम सैड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। अब सबने कहा कि सब कुछ ने कहा क्या बोला कि वो एक टाइम टेबल तैयार करे। अब जैसे हमारा भी होता है ना, स्कूल में जाते हैं तो टाइम टेबल होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे पीरियड्स होते हैं, लंच टाइम होता है, लंच ब्रेक होता है, ठीक है। तो उसने कुछ ने कहा अगर टाइम टेबल बन जाएगा तो राजा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, परंतु इट इज कैसे, ये हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि राजा है, राजा के पास तो कोई सा भी काम आ सकता है, सडनली कोई काम आ सकता है, तो वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कैसे चल सकता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अब उन्होंने कहा अगर टाइम टेबल बना लेगा वो और इसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करेगा, ओनली इन दिस वे दिस सेट कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। अब उन लोगों ने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अगर टाइम टेबल बन जाएगा और उसके अगर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेगा, अब अगर टाइम टेबल है जैसे स्कूल का टाइम टेबल रहता है तो फिक्स रहता है, परंतु एक राजा है, राजा का टाइम टेबल तो फिक्स नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि अगर वो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे तो एवरीथिंग कुड डू क्या होगा, इन प्रॉपर टाइम, सब जो है वो टाइम से कर पाएंगे। अदर्स सेड, अब कुछ ने कहा क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए किंग, क्योंकि राजा है, राजा के पास तो कोई भी काम आ सकता है, तो अदर्स सेड, अब दूसरे लोगों ने क्या बोला, That it was impossible to decide in advance the right time. अब उन्होंने कहा ये तो जो है it was not possible. क्या possible नहीं है to decide in advance the right time. कि हम जो है
पहले से कैसे हम जो है डिसाइड कर लेंगे। मान लो कल मेरे को अचानक कहीं जाना पड़ेगा, तो मैं पहले से, मेरे को तो नहीं पता रहेगा ना कि मेरे को कल सडनली जो है कहीं जाना है। तो वो कह रहे, तो यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने क्या कहा, अदर्स सेड कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने के लिए हम एडवांस में नहीं डिसाइड कर सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। राजा जो था सारी चीजों को जो है, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। और वो जो है ये फुलिश प्लेजर्स जो लोग अपने अपने आंसर्स दे रहे थे, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। कि उसको राजा ने कहा कि जो हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना चाहिए, वॉट एवर सीम नेसेसरी, कि हमें क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एट दैट टाइम, उस समय क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अब कुछ लोगों ने क्या कहा, येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल। अब कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को क्या है, क्या चाहिए, एक काउंसिल चाहिए। काउंसिल क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। कि जो है एक जो है काउंसिल बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, और वो जो है राजा को समय समय पे क्या बताएंगे, टाइम बताते रहेंगे या एडवाइस करते रहेंगे और रूल्स बना देंगे। ठीक है, सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज, बुद्धिमान लोगों की जो है एक काउंसिल बना देते हैं, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और प्रॉपर टाइम पे जो है वो राजा को जो है क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। दिस वॉज, ये क्यों, बिकॉज वन मैन वुड फाइंड, क्योंकि एक व्यक्ति, इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड। अब उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक आदमी के लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है कि पूरा किंगडम चलाना है, तो एक आदमी के लिए क्या है, राजा, क्योंकि वो तो राजा है, तो उन्होंने कहा कि राजा के लिए जो है इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली कि कोई भी काम है किस समय करना है, एट वॉट टाइम। तो उन्होंने कहा कि क्या होनी चाहिए, एक वाइज मैन की क्या होनी चाहिए, काउंसिल होनी चाहिए टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बिना किसी के हेल्प के इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रूल ओवर अ किंगडम। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो उन्होंने कहा कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। पहले वालों ने क्या बोला था, किसी ने बोला टाइम टेबल बनाना चाहिए, किसी ने क्या बोला कि एक काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है, किसी ने बोला कि हमें जो है क्या करना चाहिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना चाहिए, काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहां तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि और जो काउंसिल है और वो समय समय पे जो है राजा को जो है क्या बताता रहेगा कि कब हमें कौन सा काम करना है। बट Then others said that there was some things which could be urgent. अब कुछ लोगों को फिर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उन्होंने कहा ये जरूरी नहीं है कि अब काउंसिल्स जो है एवरी टाइम तो वो रहेंगे नहीं ना राजा के पास, तो उन्होंने कहा अगर कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो राजा क्या है? फिर उनको सबको कॉल करता रहेगा। बट देन अदर्स सेड, अब कुछ लोगों ने क्या कहा, देर वॉज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, अर्जेंट हो सकती है। These things could not wait for the decision of the council. अब उन्होंने कहा कि ये वाली जो अर्जेंट वर्क आ जाता है या अर्जेंट जो है कोई किसी को जो है, क्योंकि राजा है, किंगडम है उसका पूरा, कोई भी जो है अर्जेंट जो है वर्क पड़ सकता है उसको, तो उन्होंने कहा ये जो है क्या हो सकता है, could not wait for the decision of the council. अब वो ये थोड़ी है राजा उसको बैठा के रख देगा और फिर इंतजार करेगा कि मेरे जो council members आएंगे और वो डिसाइड करेंगे, तो उन्होंने कहा इट कुड नॉट बी, ही कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब उन्होंने कहा कि राइट समय फॉर डूइंग समथिंग, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें राइट टाइम पे कौन सा काम करना चाहिए, इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, कि हमें अगर फ्यूचर के बारे में अगर पता चल जाए, भविष्य, फ्यूचर मीन्स भविष्य के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम जो है तब एट दैट, अब उस केस में हम जो है डिसाइड कर सकते हैं राइट टाइम, कि कौन सा राइट टाइम है,
ठीक है, जब हमें क्या पता होगा फ्यूचर, और ये काम कौन कर सकता है, एंड ओनली मैजिशियंस। मैजिशियंस किसको बोलते हैं, जो हमें जो है मैजिशियन, जादूगर टाइप के जो हैं लोग जो है पहले से भविष्यवाणी कर देंगे, मैजिशियंस वुड डू दैट, कि खाली वही मैजिशियंस ही ये काम जो है कर सकते हैं, जो हमें भविष्य के बारे में बता देंगे और हम जो है उसे डिसाइड कर देंगे कि राइट टाइम कौन सा है हमें टू स्टार्ट आवर वर्क। अब राजा ने द किंग देयरफॉर, अब उन्होंने कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, इसलिए जो है वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, मैजिशियंस के पास जो है जाना चाहिए। तो सबने जो है डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दिए, किसी ने कुछ किसी ने बोला कि क्या है टाइम टेबल बनाना चाहिए, किसी ने कहा काउंसिल बनानी चाहिए, किसी ने कहा कि मैजिशियंस को बुलाना चाहिए, किसी ने कहा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क। तो सबके जो है डिफरेंट व्यूज थे। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि राजा ने क्या बोला था, सेकेंड क्वेश्चन कि हमें जो है वॉट इज द राइट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसे किन लोगों को जो है सुनना चाहिए। ठीक है, इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब राजा का जो सेकेंड क्वेश्चन था, सम सेड दैट, अब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर तो सबने डिफरेंट डिफरेंट दे दिए, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चन, कि उसको कौन कौन से लोगों को जो है सुनना चाहिए, लिसन करना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड, अब कुछ ने क्या बोला, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अब काउंसिलर्स कौन से होते हैं, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो उसके अपना जो उसने राज्य के लोग बना रखे थे अपने अंडर में, तो मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। अब उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है राजा के लिए कौन होते हैं, उसके काउंसिलर्स होते हैं, तो राजा को किनको सुनना चाहिए, उन लोगों को सबसे पहले सुनना चाहिए। अब कुछ ने क्या कहा, अदर सेड द प्रिस्ट, प्रिस्ट किसको बोलते हैं, पुजारी। अब कुछ ने कहा कि जो पुजारी लोग होते हैं ये सबसे क्लोज होते हैं गॉड के, तो राजा को किनको सुनना चाहिए, प्रिस्ट को सुनना चाहिए, पुजारी को सुनना चाहिए। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, अब कुछ लोगों ने क्या बोला, डॉक्टर्स को सुनना चाहिए, एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स, अब कुछ लोगों ने क्या बोला कि अपने सिपाहियों को जो पूरी उसके किंगडम की रक्षा करते हैं एनिमी से, तो उनको सुनना चाहिए, वर द मोस्ट नेसेसरी की, और वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनके लिए क्या है, सोल्जर्स, तो उनको जो है राजा को क्या करना चाहिए, किसको लिसन करना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, सोल्जर्स को सुनना चाहिए, जो उसकी सिपाही हैं, जो हमेशा जो है उनके लिए लड़ते रहते हैं और रक्षा करते हैं पूरे राज्य की, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है पूरे राज्य उनके उसके किंगडम में, सोल्जर्स। तो कुछ ने कहा कि हमें क्या राजा को किसको सुनना चाहिए, अपने काउंसलर्स को सुनना चाहिए, समसेट के प्रिंस को सुनना चाहिए, और कुछ ने कहा डॉक्टर्स, कुछ ने कहा सोल्जर्स। ठीक है, तो दिस ये जो है डिफरेंट आंसर्स ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन, कि राजा ने कहा मुझे जो है क्या चीजें करनी चाहिए, कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्योंकि इतना काम है उसके पास, तो उसकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से वो जो है अपने किंगडम को जो है किस तरह से हैंडल करे, कि फ्यूचर तक जो है लोग उसको फेम रहे, कि मैं कोई गलत काम ना करूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या काम करना चाहिए, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अब उन्होंने कहा कि साइंस को जो है ये काम करना चाहिए, साइंस, क्योंकि साइंस क्या एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो अगर राजा जो है प्रैक्टिकल हो जाएगा तो उसके लिए जो है टू रूल ओवर हिज किंगडम तो इजी हो जाएगा, इट इज इजी टू रूल ओवर हिज किंगडम। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ ने कहा लड़ाई, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, अब कुछ जो लोग थे रिलीजियस टाइप के थे उन्होंने कहा पूजा पाठ करनी चाहिए थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो राजा ने तीन क्वेश्चंस करे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो थर्ड क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर क्या दिए लोगों ने, कि साइंस, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए, कुछ ने कहा फाइटिंग करनी चाहिए, कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ये डिफरेंट आंसर्स थे, किसके ओपिनियन थे, ये जनता के थे, पीपल के थे,
उसके राज्य में जो वाइज मैन थे, मतलब जो बुद्धिमान लोग थे जो आए थे आंसर देने. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, देन सेकंड का दिया, एंड दिस वाज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. अब इससे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा राजा, क्योंकि सबने डिफरेंट डिफरेंट और भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया. तो राजा ने क्या करा, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि आंसर्स क्या थे सबके, बहुत ज्यादा क्या थे, डिफरेंट थे, अलग अलग थे, किसी का भी सेम नहीं था. तो एज द आंसर्स द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. अब राजा जो था सेटिस्फाइड नहीं था, तो वो रिवॉर्ड भी नहीं करता. तो ही गेव नो रिवॉर्ड, उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं करा, क्योंकि सबके आंसर डिफरेंट थे. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी कि राजा वॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं था उनके आंसर से, एंड गेव नो रिवॉर्ड, उन्होंने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टेड ठीक है, अब वो तो बिल्कुल ये जो आंसर्स थे उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं था और रिवॉर्ड नहीं दिया, उसके बदले उसने क्या, ही डिसाइडेड, और उसने डिसाइड करा टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट. अब हर्मिट किसको बोलते हैं, कि अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. हर्मिट संत टाइप का, हर्मिट में जो संत टाइप का जो है, उसने कहा कि मैं उसके पास जाता हूँ, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपने जो है विजडम के कारण जो है पूरे राज्य में जो है बहुत दूर दूर से लोग भी उसके पास आते हैं, और लोग जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से वाइडली नोन फॉर हिज, क्योंकि पूरे राज्य में जो है उसकी बुद्धिमता से, बुद्धिमान था वो बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से लोग जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते. तो उन्होंने कहा मैं जो है हर्मिट के पास जाता हूँ, एक संत जो कि एक सिंपल लाइफ जी रहा है और अकेला रहता है. तो हर्मिट मींस अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. तो राजा ने अब डिसाइड कर लिया, जब वो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, तो उसने ही डिसाइडेड टू गो टू, किसके पास जाने के लिए डिसाइड करा, हर्मिट के पास जो अकेला रहता था. ठीक है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड. अब वुड का मतलब क्या है, कि जंगल में, जंगल में जो हर्मिट था, क्योंकि वो सिंपल लाइफ जीता था, अकेला रहता था, तो वो कहाँ रहता था, वुड में. वुड मीन्स फॉरेस्ट में रहता था. विच ही नेवर लेफ्ट, कभी भी उसने उसको जो है छोड़ा नहीं था. लीव लेफ्ट ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ. अब वो जो है, क्योंकि वो सिंपल लिविंग था, अकेला रहता था और कहीं नहीं जाता था, अपने हट जहां पे वो रहता था उसको कभी भी हर्मिट ने नहीं छोड़ा था, और बिल्कुल सिंपल, मतलब सिंपल पीपल को देखता था. तो राजा ने क्या करा, व्हाट ही डिड बिफोर ही रीच द हर्मिट्स. अब उसने क्या करा, राजा ने कि सारे अपने जो है ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने, जो राजा वाली ड्रेस नहीं पहनी, क्योंकि वो सिंपल पीपल को देखता था, किसी के घर में नहीं जाता था, जिसको कोई प्रॉब्लम होती थी वो उसके पास आता था. तो राजा ने क्या करा, सिंपल जो है ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने. बिफोर ही रीच्ड उस वहां हर्मिट्स के हट के पास पहुंचने से पहले राजा ने क्या करा, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, अपने जो उनके जो साथी थे, घोड़े थे, उन सबको क्या करा, उन्होंने कहा तुम वापस चले जाओ विद हिज बॉडीगार्ड. उसके बॉडीगार्ड जो थे सबको जो है उसने क्या करा, सेंड बैक, वापस भेज दिया. एंड वेंट ऑन एलोन, और हर्मिट के हट के पास जो है वो अकेला गया ऑर्डिनरी ड्रेस में. तो बच्चों आज हमने जो है सेवेंथ ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर थ्री क्वेश्चंस हनीकॉम बुक का करा है. आई थिंक इतना आपके आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा. घर में सारे बच्चे जो है रीडिंग करें, और रीडिंग करके आए. कल हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.